राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू मीना एंड फैमिली व्लॉग्स। तो आज सुबह से व्लॉग की शुरुआत हमने कर दी है और देखिए हमारी मॉर्निंग टी चल रही है इस टाइम, और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:50 हो गए। हाँ तो सुबह के 7:50 हो गए, तो मॉर्निंग टी हमारी इतनी लेट हो रही है क्योंकि बाकी काम हम कर चुके हैं, थोड़ा सा साफ सफाई और जो जैसा कि आपको पता है ना और आज है जी रक्षित का एग्जाम। रक्षित बताइए आपको कौन सा पेपर होने वाला है? जनरल साइंस। आज इसका जीएस का पेपर है और वैसे भी ना ये पुरानी बुक है इसलिए ज्यादा वो मत करना। क्या मत करना? गाइस सोचे मत। अच्छा तो अब इस साल ना हमने इसको मीशा की बुक से पढ़ाया था और इस साल भी हम इसको मीशा की पुरानी बुक से पढ़ाने वाले हैं। नई किताबें हम इसके लिए नहीं खरीदेंगे। मिलने कौन से खरीदते हैं? मैं भी यार कुछ तो खरीदते थे भाई। पहले जमाने में यही होता था, है ना? यही नहीं होता था? बच्चे क्या करते थे, पुरानी किताबें आती थी स्कूलों, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो पुरानी किताबें आती थी, ढेर लग के आ जाती थी, धूम बच्चे छांटते थे अपने अपने किताबें उसमें से, है ना? ऐसा होता था ना। और अब हो गया ट्रेंड की भैया प्राइवेट स्कूल है, पब्लिक स्कूल है तो नई नई किताबें खरीदो। जरूरी नहीं है, हमारे वहाँ भी ऐसा ही होता है, एक दूसरे से लेके खरीद के पढ़ते थे बेटा। हमारे में भी वही होता है पर जीके का मना करते हैं। सुनने कितने बिस्किट खा लिए अभी तक? दो ही खाए। झूठ बहुत बोलती है तू। दो ही खाए, कैमरे में देखना चाहता। हां कैमरा अब तो बाद में स्टार्ट करा है। अभी कौन सा वाला है? तीसरा। आई होप आप लोगों ने भी सुबह की चाय पी ली होगी, जो लोग चाय पीते हैं या मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं। वैसे मॉर्निंग ड्रिंक पीती हूँ लेकिन आज मिस्टर शेफ ने कहा कि चलो चाय पीते हैं तो आज हमने चाय बना ली खुद। तो देखो ग्रीन टी लेके आए हैं अपने लिए और मेरे को चाय पिला रहे हैं, तो बस वरना वैसे मैं मॉर्निंग टी पीती हूँ, सॉरी मॉर्निंग टी नहीं मॉर्निंग ड्रिंक। हाँ हम मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं तो कभी कभी चलता है यार ऐसा। तेरी हेल्थ बहुत मंदी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तैयारी कर ली है इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। मैं आलू गोभी और ये जो सब्जी है बना रही हूँ, सोयाबीन की बड़ी डाल के, और तेल हो रहा है गरम, और साथ ही मैंने देखिए अपने मॉर्निंग डिटॉक्स जूस की भी तैयारी कर ली है और इसका एक शॉर्ट वीडियो जो है वो मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गाइस आप देख लीजिएगा, बहुत ही यमी होता है ये वाला जूस और हेल्थ के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो आप ज़रूर इस जूस को मॉर्निंग में बना के पिया कीजिए। वैसे भी समर अब जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं तो समर्स के लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गाजर चुकंदर अगर ना मिले तो मैंने कुकुम्बर का भी डिटॉक्स जूस जो है वो बना के शॉर्ट वीडियोस का भी डाला है तो वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस यही सब तैयारियाँ अभी मेरी चल रही है। वैसे ये डिटॉक्स जूस मैं एक्सरसाइज के बाद लेती हूँ, बट आज एक्सरसाइज अभी नहीं की है पर जूस तो मैं पी लेती हूँ, ठीक है? तो बस यही सब चल रहा है अभी सुबह सुबह। आप चाहें तो इस जूस को अपना सुबह योगा और एक्सरसाइज के बाद पी सकते हैं, और ये जूस ना आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी को अंदर से क्लीन कर देता है और आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, मतलब आपके हेयर्स के लिए, सभी चीज़ के लिए काफ़ी मतलब ग्लोइंग स्किन के लिए, सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। देखिए मेरे रक्षित की स्किन इसीलिए चमक रही है। मजाक कर रही हूँ। देखिए रक्षित इस रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए, है ना बेटा? अच्छा पेपर करके आना, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक। हाँ एक बात बोलनी है। हाँ बोलो। कि ना आप मुझे कुछ दिला दो। क्या दिलाना है? ठीक है बनाया। फ्रूटी व्रूटी नहीं पीते, फ्रूटी मांग रहा है। फ्रूटी नहीं, कांजी पियेंगे हम, कांजी घर में बनी हुई होममेड कांजी, ठीक है? बनाएंगे यार। तो चलिए फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ता बना लेती हूँ। जूस बना लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको दिखाई थी सब मैं जार में ऐड कर लेती हूँ। देखो मेरे पास ना जूसर नहीं है तो फिर भी इसमें भी अच्छा बन जाता है, बस छान के ले लो तो काफ़ी अच्छा जूस निकल जाता है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, ये मैंने ऐड कर दिया इसमें पानी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ना ये जूस जो है वो छान लिया है और मेरे पास ना अभी कोई भी डोंगा नहीं मिला मुझे, तो मेरे को इस जार में जूस छानना पड़ा। सारे डोंगे कहीं इधर लगे कहीं उधर लगे, और ये देखिए इसका जो ये लेफ्ट ओवर बचा है ना, मतलब कि ये जो इसका ये मटेरियल जो बच गया है अब, तो इसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ और मैं बताऊँगी कि इसको मैं कैसे यूज़ करूँगी अब, ठीक है? मतलब हम इसको फेंकेंगे नहीं और मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जूस तो भाई हम पियेंगे पियेंगे, साथ में इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो
चलिए जूस डाल देती हूँ अपने मग में और इंजॉय करती हूँ अपने जूस को। तो जब तक बन रहा है ब्रेकफास्ट मैं कर लेती हूँ अपना। बहुत यम्मी है। फ्रेंड्स मैंने जो डिटॉक्स जूस बनाया था उसका जो बचा हुआ मटेरियल था ना उससे मैंने आटा लगा लिया है और अब मैं उस आटे की ना रोटी बना रही हूँ। तो ये बहुत ही फाइबर रिच रोटी होती है और हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इस तरीके से हम मतलब जूस भी पी सकते हैं और फाइबर रिच रोटी जो है वो भी बनाकर खा सकते हैं। तो हर तरीके से ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो देखिए फ्रेंड्स मॉर्निंग का काम हो गया, किचन का सारा काम मैंने फिनिश कर लिया है। और देखिए रक्षित तो गया स्कूल जैसा कि आप जानते हैं, उसका आज एग्जाम है। और मीशा बना रही है पेंटिंग। तो पेंटिंग नहीं गाइस, मैं ड्राइंग बना रही हूं। देखो मैंने एक आई की ड्राइंग बनाई है। ऐसे है कि ऐसे है? नहीं है, उल्टा पकड़ लिया है ऐसे है ना। ये देखिए इसने ये बनाया है, इसको थोड़ा आर्ट का शौक है। एनीमे, ये पता नहीं क्या एनीमे बनाती रहती है। क्या क्या नाम है इनके? काकाशी इसका नाम है। नारुतो में से कृष्णा का बनाया था, नारुतो पारुतो पता नहीं क्या क्या बना रखे हैं। ये तांजीरो से और इसके पीछे तांजीरो बनाया है। इसके पीछे है नेजुको, इसकी बहन नेजुको और तांजीरो। और ये कौन है? ये ऐसी मैंने देखा था तो मैंने बना दिया। अच्छा तो ये सब इसने क्रिएट किए हैं अभी। और एक ये कृष्णा बनाए हैं। तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो बस ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग कर लेती है थोड़ी थोड़ी। तो देखिए काफी अच्छा बनाया है इसने। ये चक्र थोड़ा बेकार हो गया। वेरी नाइस। और आपको बता दूं इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा शौक मुझे भी है तो मैं भी कुछ ना कुछ घर में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो क्रिएट करती रहती हूँ। जैसे कि देखिए ये मैंने ना कुछ वेस्ट, वो कुछ पापड़ी वगैरह जब हम खाते हैं ना, चाट पापड़ी बाहर से मंगवाते हैं तो उसके साथ ये वेस्ट होती है, मतलब वेस्ट हो जाती है बाद में खाने के बाद। तो मैंने इनको वॉश करके ना अच्छे से सुखा के फिर मैंने इनके ऊपर ये ड्राइंग करी है। तो ये कुछ मैथिली आर्ट होती है तो ये मैंने देखी थी नेट पे तो मुझे काफ़ी पसंद आई। अभी इसमें कलरिंग बाकी है, मैंने सिर्फ ड्रॉ करके रखे हुए हैं ये अभी कुछ। तो ये मैं अभी इनमें कलरिंग भी करूंगी। आपको पता है मैं एकदम सोच रही थी कि मम्मी के इसमें कलर कर दूं, फिर मुझे लगा मम्मी मार डालेंगी। नहीं मैं खुद करूंगी इसमें कलर। तो ये देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है, बहुत कछुआ है ये। और हाँ कछुआ ही कहते हैं ना इसे, टर्टल या क्या कहते हैं, और एलिफेंट। तो ये मैथिली आर्ट में से मैंने लिया है और इनको अब मैं ना कलरिंग करने वाली हूँ। वैसे और भी मेरे पास पड़े हैं ये वेस्ट तो इन पे भी मैं कुछ करूँगी बट अभी फिलहाल मैंने इतना ही किया है। तो इस तरीके का काम मैं भी थोड़ा बहुत शौकीन हूँ इसकी और मैं भी कर लेती हूँ कभी कभार। जैसे कि आपने देखा ही होगा मैंने ना ये हैंगिंग, वॉल हैंगिंग बनाई हुई है ग्लिटर पेपर को यूज़ करके। दोनों साइड ऐसे ग्लिटर पेपर लगा के कुछ बीड्स वगैरह मेरे पास फालतू पड़ी हुई थी तो मैंने इन वेस्ट मटेरियल से ना कुछ इस तरीके से ऐसे क्रिएट कर लिया। थोड़ा थोड़ा बच जाता है ना ग्लिटर पेपर तो उसको यूज़ करके मैंने ये ऐसे बना दिया था। तो काफ़ी सुंदर लगती है ये वॉल हैंगिंग। बाकी और भी कई चीज़ें हैं जो मैं क्रिएट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। काफ़ी लंबे समय से मैंने कुछ भी ऐसा क्रिएट नहीं किया तो आपने देखा ही होगा। वैसे मेरे घर के डेकोरेशन में मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने हाथ से बना के लगाई हुई हैं, है ना। देखिए ये बुद्धा जो है वो बनाए थे और इनके साइड पे भी मैंने प्लेट्स वगैरह लगाई थी बट अभी वो प्लेट्स टूट गई हैं, बच्चों ने बॉल खेल खेल के तोड़ दिया तो वो सब रह गई हैं, वो भी लगानी है। और साथ ही मैंने ये लोटा ख़राब हो गया था तो मैंने इसमें सिल्वर फॉइल लगा के इसको ऐसे फ्लावर स्टैंड बना लिया, मतलब फ्लावर पॉट की तरह यूज़ कर रही हूँ मैं इसे, ठीक है। और ये बॉटल में भी कलर से डेकोरेशन किया था जो अब लाइट हो गया तो दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मेरी बालकनी गार्डन जो आजकल थोड़ा सा हरा भरा हो गया है। हम अभी नया गुलाब भी लेके आए हैं और ये स्टैंड जो मैं लेके आई थी इस पर मैंने इस तरीके से कुछ लगा दिया है तो अब सब कुछ थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया है तो अच्छा लगने लगा है। कुछ समय पहले मौसम की वजह से ना सही नहीं था सर्दियों में पर अब अच्छा लगने लगा है। तो जैसे ही ये चीज़ें क्रिएट होंगी, मतलब इसमें मैं कलर कर लूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है टोटल बनने के बाद। ठीक को बता दूँ फ्रेंड्स हमारा नेट जो है वो नहीं चल रहा है, कुछ कुछ दिनों में पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है तो नेट वाले भैया आए हुए हैं।
अभी चेक कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इसी वजह से ब्लॉग भी अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, दिन के खाने की तैयारी हो गई है और दाल मैंने चढ़ा दी है। लगता है रक्षित आ गया, एक सेकेंड, रक्षित आ गया लगता है स्कूल से। कहाँ गया? अरे राज बदमाश ऊपर भाग जाता है, छिप जाता है ये। आ जा, ये क्या टी शर्ट को कैसी हालत बना के लेके आया है, है? कहाँ कुश्ती खेल लिया और कैसा रहा भाई पेपर? अच्छा। सच्ची मम्मी सब आता था तेरे को? मम्मी ना एक वो आया था, क्या कहते हैं, कीवर्ड आता था तेरे को लिखना वो? सच्ची? हाँ। चलो ये जूते लेके ऐसे घर में नहीं घूमते, ठीक है? शूज रिमूव करो जगह पे। चलो रक्षित का फाइनली एक पेपर और हो गया, बस अब लास्ट पेपर बचा है। वो भी कब है? 13 तारीख। हाँ 13 को इसका लास्ट इंग्लिश का पेपर है, है ना? रक्षित भी आ गया एग्जाम देके और मेरी हो रही है दिन के लंच की अब तैयारी। बनाऊंगी दाल चावल और हरी सब्जी के लिए भी तैयारी कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई साफ कर ली है, हरी सब्जी बनाऊंगी इसमें। हरी साग की टपकी छुप रहा है मेरे पीछे ये मेरे पास आया बटन खुलवाने के लिए, बाजू का, उसके बाजू का बटन मुझे ही खोलना पड़ता है। चलो जाओ, चलो मैं बनाती हूँ अभी थोड़ा लंच। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका शुरू हो गया कैरम बोर्ड। जब कोरोना में लॉकडाउन लगा था ना, तब भी हम लोग कैरम बोर्ड खेल के ही टाइम पास करते थे। तो मीशा ने छुट्टियाँ बिताने का एक साधन ढूंढ लिया टाइम पास का, तो ये इसने निकाल लिया कैरम बोर्ड खेलने के लिए। और रक्षित का भी अब लास्ट एग्जाम बचा है इंग्लिश का, और अभी 2 दिन की उसकी छुट्टी है, तो इसलिए वो भी जम गया है आज कैरम बोर्ड के गेम में। रितनी नहीं आई अभी, वो आ रही है थोड़ी देर। और हम लोग जा रहे हैं मंडी, हम लोग मंडी जा रहे हैं तो कुछ सामान लेके आ जाते हैं। पूजा का भी कुछ सामान खत्म हो गया, तो बस यही सब है, मंडी जाएंगे और सामान लेके आएंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे ब्लॉग्स इसी तरीके से देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं बिल्कुल चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।